क्या आप पाइल्स के बार बार होने वाले दर्द से बहुत परेशान हैं? क्या आप इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? क्या आप ऑपरेशन से डरते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। मैं डॉक्टर रश्मि, मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपसे पाइल्स के बारे में कुछ जानकारियाँ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने अगर मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पाइल्स क्या होता है। पाइल्स, बवासीर या हिमोराइड्स, हमारी जो रेक्टम होती है इसमें एक हिमोराइडल वेन पाई जाती है। जब इस हिमोराइडल वेन में स्वेलिंग हो जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ये लूज होके थोड़ी लटक जाती है, ये एक मस्से का रूप ले लेती है। इस कंडीशन को हम पाइल्स कहते हैं। पाइल्स टू टाइप्स की हो सकती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब ये हिमोराइडल वेन की स्वेलिंग रेक्टम के अंदर होती है तो हम इसे इंटरनल पाइल्स कहते हैं। जब ये स्वेलिंग या ये मस्से जब बाहर आ जाता है तो हम इसे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो टाइप्स है इसके, जैसे एक्सटर्नल पाइल्स है तो उसके अलग सिम्टम्स मिलेंगे, इंटरनल पाइल्स के अलग सिम्टम्स मिलेंगे। तो हम बात करते हैं सिम्टम्स की। एक्सटर्नल पाइल्स में आपको उस एनाल एरिया में लंप या मस्से जैसा कुछ फील होगा। जब आप स्टूल पास करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, हो सकता है स्टूल पास करने के बाद भी ये दर्द बना रहे। उसके अलावा उस पार्ट में थोड़ी इचीनेस या आपको खुजली हो सकती है। अगर बात करते हैं इंटरनल पाइल्स की, इंटरनल पाइल्स में आपको दर्द कम होता है और ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। किसी किसी पेशेंट में लोअर बैक रीजन पे भी पेन हो सकता है। अब हम इसके कॉजेस पे आते हैं। जब आपको बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है और आप बहुत स्ट्रेनिंग करते हैं स्टूल पास करने के समय, तो आपके रेक्टल वेन में प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर के कारण उस वेन में इन्फ्लेमेशन आ जाता है और आपको पाइल्स हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन एक मेजर रोल प्ले करता है पाइल्स के लिए। सेकेंड मेजर अपना कॉज है कि आप अगर जिमर हैं और बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करते हैं आप, तो आपके रेक्टल वेन में प्रेशर पड़ सकता है और उसके कारण भी आपको पाइल्स होने की पॉसिबिलिटीज़ है। थर्ड अपना कॉज है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो हमारे वूम होता है वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, उसके कारण भी रेक्टल वेन में प्रेशर आता है और पाइल्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फोर्थ रीज़न है आपका कि अगर आप आपकी जो डाइट है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड्स खाते हैं, वाटर इनटेक कम रखते हैं, तो भी आपको पॉसिबिलिटी है कि आप पाइल्स के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिंस पर। तो सबसे पहली और बेहतरीन मेडिसिन है हेमामेलिस। अगर आपको पाइल्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको ब्लाइंड पाइल्स है या इंटरनल पाइल्स है, तो इस केस में आप ले सकते हैं हेमामेलिस। ये आपके ब्लीडिंग को 2 से 3 दिन के अंदर में बंद कर देगी। दोस्तों, अब हम आते हैं सेकेंड मेडिसिन पर। सेकेंड मेडिसिन है एस्कुलस। अगर आपको एनाल एरिया में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली चुभन सा दर्द बना हुआ है, इवन मोशन करने के बहुत देर बाद तक भी, तो आप ले सकते हैं एस्कुलस। एस्कुलस का एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है कि आपको इसके साथ पाइल्स के साथ साथ आपको लोअर बैक रीजन पे भी काफ़ी पेन होगा। थर्ड मेडिसिन है आपकी कॉलिनसोनिया। कॉलिनसोनिया में भी आपको कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा पेन होगा, उसके साथ साथ आपको एक या एक से ज़्यादा मस्से फील हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं फोर्थ मेडिसिन पर, नक्स वोमिका। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है लंबे समय से और उसके साथ साथ ही आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही सेडेंटरी है, आप बहुत ज़्यादा देर से सोते हैं, देर से जागते हैं, और उसके साथ साथ ही आपको कॉफ़ी और अल्कोहल का हैबिट है, तो आप ले सकते हैं नक्स वोमिका। तो दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है रेटेनिया। टिटेनिया, अगर आपको एनाल एरिया में चुभन वाली दर्द के साथ साथ इचिंग बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा इचिंग या खुजली से परेशान हैं, तो रिटेनिया आपके लिए है। तो दोस्तों, ये रही होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन को लेना कैसे है? अगर आप इसको डायरेक्ट डाइल्यूशन फॉर्म में लेते हैं तो डाइल्यूशन फॉर्म में आपको डायरेक्ट टंग पे 2 ड्रॉप्स या 2 बूंद आपको लेने हैं डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार। अगर आप इसको गोलियों के फॉर्म में लेते हैं, जैसे होम्योपैथी में इस तरीके की जो गोलियां आती हैं, अगर इस गोलियों के फॉर्म में आप लेते हैं तो आपको 4 गोली दिन में 3 बार लेनी है। अभी मैंने आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिंस बताई उनमें सबसे ज़्यादा जिससे आपके सिम्टम्स मैच हो रहे हैं
आप उसे सील पैक 30 या 200 पोटेंसीज में मार्केट से परचेस कर सकते हैं। उसके साथ ही हम आते हैं होम्योपैथी के कुछ पेटेंट मेडिसिन पे। तो सबसे पहले है SBL ब्रांड का FP टैब्स। तो आप इसको ले सकते हैं 2 गोली दिन में 3 बार। ये FP टैब्स SBL की, इसे आप ले सकते हैं 2 गोली दिन में 3 बार, 1 से 1.5 महीना लीजिए, आपको आपके पाइल्स में काफ़ी हद तक राहत पहुंचाएगी ये दवा। उसके साथ साथ ही आप ले सकते हैं श्वाबे ब्रांड की ये जो दवा है एस्कुलस पेंटार्कन, ये आप आधे कप पानी में 20 ड्रॉप्स लीजिए दिन में 3 बार। और जो आपका एरिया है एनाल एरिया में, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है या आपको बहुत पेन कर रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रही है, तो आप ये SBL का FP पॉइंट ले सकते हैं, लगा सकते हैं उस एरिया पे, एनाल एरिया पे, अच्छे से धो के वॉश करके पोंछ लीजिए और इसे आप 2 बार दिन में इस ऑइंटमेंट को उस एरिया पे अप्लाई करिए, आपको काफ़ी राहत पहुँचाएगा। तो दोस्तों ये रही होम्योपैथिक मेडिसिंस। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।